नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल पंखीजा डेयरी फार्म, जो कि आष्टा सीहोर ज़िले में मध्य प्रदेश में स्थित है। और आज मैं आपको एक डेयरी फार्म दिखा रहा हूं, जो कि आष्टा तहसील के अंदर एक गांव आता है डाबरी। उस गांव में एक डेयरी फार्म है। इस डेयरी फार्म का आज मैं विज़िट करने आया हूँ, तो आप सभी किसान भाइयों को मैं इस डेयरी फार्म की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको इनके ओनर साहब से मिलवाता हूं और पूरे डेयरी फार्म की इनसे चर्चा करता हूं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद मंडलोई। अरविंद जी मंडलोई साहब, अच्छा। तो मंडलोई जी, सबसे पहले तो आपका खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका और आपका जो पूरा एड्रेस है। थोड़ा सा लाउड बोलिए। मेरा नाम अरविंद सिंह मंडलोई है, गांव अपना डाबरी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर। अच्छा, तो ये जो आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, ये कितने साल से कर रहे हैं अभी? ये लगभग 2 साल। 2 साल हो गए आपको डेयरी फार्म करते करते, है ना? तो अभी फिलहाल आपके पास कितने पशु अवेलेबल हैं? मेरे पास अभी 5 भैंस हैं, 2 गाय। 5 भैंस और 2 गाय आपके पास अभी फिलहाल हैं। इतने जानवरों से आप, इतने पशुओं से आप अभी बिजनेस कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग का। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि ये जो डेयरी फार्म का बिजनेस है कैसा है? जो भी हमारे किसान भाई जो वीडियो व्यू कर रहे हैं, इन सभी को ये बताना चाहता हूं मैं कि डेयरी फार्म का जो बिजनेस है वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा क्या बिजनेस है ये? मेरे हिसाब से तो ये पार्ट टाइम बिजनेस है। अच्छा, और अच्छा है। अच्छा, प्रॉफिट भी है इसमें, अगर समय है अपने पास तो करना चाहिए। अच्छा, तो आपका कहना है कि अगर आपके पास समय है तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है इससे। तो सबसे पहले आइए मैं आपके पशु देखना चाहूँगा। देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, अभी मैं इनके पशु बता रहा हूँ। इनके पास कितनी, 5 भैंसे बताई थी ना आपने, 5 भैंसे हैं और 2 गाय हैं, जिसमें से एक इधर है और एक ये वाली भी है। तो इनकी सभी की मैं डिटेल आप सभी को बताऊंगा। ये जो फर्स्ट नंबर पे जो गाय बंदी है, इसकी क्या खूबी है और कौन सी ब्रीड की है ये, कितना दूध की कैपेसिटी रखती है ये? इसके भी है 9-10 लीटर की कैपेसिटी है। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी ये ब्रीड कौन सी है, कौन सी प्रजाति की गाय है? अच्छा, हाँ, मतलब क्रॉस ब्रीड गाय है ये, है ना? HF से क्रॉस करी हुई गाय है ये। तो इसकी दूध की, मिल्क की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है 9-10 लीटर। 9-10 लीटर की इसकी मिल्क की कैपेसिटी है ना? अभी फिलहाल लगा रही है 9-10 लीटर। हाँ, फिलहाल लगा रही है। अच्छा, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे केड़ा, मेल काफ केड़ा है इसके नीचे, है ना? वो जो बैठा वाइट कलर का, इसी का ही है। कितने दिन हो गए इसको जने को? लगभग हो गए इसे 2 महीने का। 2 महीने इसको जने को हो चुके हैं ना, और अभी भी 9-10 लीटर के आसपास रेगुलर दूध दे रही है जवनी जब से। अच्छा, तो देख सकते हैं सभी किसान भाई, ये जो फर्स्ट नंबर पे जो गाय बंदी, इसका मैं आपको अडर की क्वालिटी बता देता हूँ। चारों थन एकदम बराबर और दूर दूर है, और इसका पीछे से मंडलोई जी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो गाय के ऊपर ये जो गिचोड़ी लग रही हैं, इनका आपने कुछ करा या नहीं करा? ये किया था अभी, ये वापस दोबारा हो चुकी है। इसका इलाज नहीं करा, मतलब इसकी जो आती है विट्राज स्प्रे आता वो करा था, है ना? हाँ, क्योंकि इसके कारण से क्या है, इनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर अभी हो नहीं पाई है, बन नहीं पाई है ना। इसके बाद ये जो भैंस बंदी है, ये मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस है ना? और कितना क्या दूध है इसके नीचे अभी? इसके नीचे अभी तो 4-4.5 लीटर। 4-4.5 लीटर दूध अभी इसके नीचे है, और 7 महीने की ये जनी हुई है। इसके नीचे कुछ इसका बछड़ा नहीं, इसके बच्चे तो सब मर गए हैं इसके। अच्छा, तो 7 महीने की देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, मुर्रा नस्ल की भैंस है ये, और 7 महीने इसको जनने को हो गया। अभी तक इसको ग्याबन करवाई कि नहीं करवाई? हो गई, इसे 1.5 महीना हो चुका है। 1.5-2 महीने इसको ग्याबन हुए को हो चुके हैं ना, और अभी 4 लीटर दूध अभी भी लगा रही है। तो देख सकते हैं किसान भाई आप, ये 4 लीटर दूध अभी भी लगा रही है, और इसको जने को लगभग 7 महीने के आसपास हो चुका है।
और सबसे पहले मैं इधर से चलता हुआ आपको एक चीज़ और बताऊंगा सभी किसान भाई को कि इनकी जो खिलाने की जो इन्होंने गोंड बना रखी वो इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, गोंड बोल लो इसको, नान बोल लो, ये कितने इसकी जो नांद है ये बना रखी आपने, ये गोंड, ये इसकी गहराई कितनी है? गहराई इसकी 8 इंच, 8 इंच के आसपास, मतलब अपना पूरा एक हाथ का पंजा जो रहता पूरा का पूरा अंदर उतर जाए इतनी, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी लगभग? 12 इंच, 12 से 14 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच इसकी गहराई है ना, तो देख सकते हैं आप ये एक लाइन पूरी इनकी गाय भैंसों की। अच्छा, इसका बांधने का सिस्टम कैसा है आपका, मतलब सुबह जैसे उठते से अपन इधर ही बंधी रहती है या इनका सिस्टम कुछ है, इनका सिस्टम कैसा बांधने का? सुबह 6 बजे बाहर कर देते हैं। सबसे पहले तो आप उठते हैं ना, तो उठते तो पहले दूध यहीं पर लगा लेते हैं इनका, बाहर लगता है। अच्छा, तो उठते से इनको सबसे पहले उस जगह पर बांध देते हैं बाहर के, है ना, तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई ये एक जगह और है इनके पास इधर, ये उठते से और बीच में ये पार्टीशन दे रखा है, ये गाय और भैंसों को यहाँ से सुबह उठते से उधर की तरफ बांध देते हैं और उधर इनकी मिल्किंग होती है ना। अच्छा, जब तक फिर इसकी सफाई हो जाती है, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई की सभी गाय और भैंसों की यहाँ से मिल्किंग, यहाँ से उठने के बाद उधर बांध दिया जाता है और फिर बांधने के बाद उधर मिल्किंग हो जाती है ना, और खिलाने का मिल्किंग के बाद या पहले कैसे क्या खिलाते हैं? नहीं, वो तो सब टप में वहीं पर इनका बांटा बना देते हैं। ठीक है, दूध निकालने के बाद फिर 10 बजे फिर इनको अंदर करते हैं, पानी पिलाते हैं। अच्छा, पानी पिला के 10 बजे फिर इनको वापस से अंदर बांध देते हैं, तो इनका खिलाना पिलाने का सिस्टम कैसा बना रखा है? खिलाने का सब यहीं पर होता है, बस मिल्किंग के लिए बाहर ले जाते हैं आप, सुबह 6 बजे उठ के मिल्किंग के लिए बाहर ले गए, मिल्किंग करी, बाटे के साथ मिल्किंग करते हैं, बाटे के साथ। अच्छा, वहाँ पे बाटा रख देते हैं इनको और उसके बाद उसकी मिल्किंग करके फिर अंदर बांध देते हैं इनको, उसके बाद क्या देते हैं इनको खाने में? उसके बाद इनको एक तो सब सुखला चलता है भूसा, ठीक है, जिसको अपन गेहूं का भूसा बोलते हैं, सुखला है ना, वो चलता है। 12 से 1 बजे के समथिंग इनको हरा मिलता है, 12 से 1 बजे के बीच में इनको हरा दे देते हैं ना, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी कितनी देते हो आप इनको? मान के चलो अपन करीबन हरे में तो 15 किलो के आसपास, 15 किलो एक पशु को लग जाता है, है ना। और जो आपने सूखा भूसा बता रहे हो गेहूं का, ये तूड़ी, ये 4 से 5 किलो, 5 किलो के आसपास एक पर पशु को एक टाइम में लग जाता है ना, तो कितने टाइम फीड करते हैं आप इनकी? इनको करता हूं मैं दो टाइम। दो टाइम कौन कौन सी, कितने कितने समय पे? एक तो सुबह 10 बजे के समथिंग होता है, ठीक है, उसके बाद में रात को 9 बजे, सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे, ये आपका खिलाने का प्रोसीजर है, मतलब ये दो टाइम आप खिलाते हैं और फिर हरा जो रहता है वो 12-1 बजे के आसपास दोपहर में दे देते हैं। मतलब देख सकते हैं किसान भाई आप कि सुबह इनका उठना है, उठते ये यहाँ से गाय और भैंसों को उधर बांध देते हैं और बांधने के बाद में मिल्किंग कर लेते हैं ये फीड दे के, और उसके बाद 10 बजे के आसपास ये वापस इनको इस जगह पर बांध के इनको सुखला जो रहता है, तूड़ी जिसको बोलते हैं हम, वो इनको डाल देते हैं, और 12 बजे के आसपास ये 15 किलो के आसपास पर एनिमल, ये 15 किलो के आसपास हरा, हरे में क्या देते हैं आप इनको? लचका बरसीम है, बरसीम देते हैं अभी तो, है ना, तो अभी बरसीम चल रही है, 15 किलो के आसपास हर पशु को ये बरसीम दे देते हैं, उसके बाद फिर इनको 4 बजे बाहर, 4 बजे फिर बाहर कर देते हैं आप इनको, पानी पिलाने का देख सकते हैं आप सभी किसान भाई कि इन्होंने यहाँ पर एक थैल बना रखी है जिसके अंदर ताज़ा पानी भर देते हैं ये, उधर से जब इधर लाते हैं तो इनको पानी पिलाने के बाद में फिर ये बाहर उनको बांध देते हैं ना, फिर बाहर कितनी बजे हो जाते हैं, कितनी बजे बांध देते हैं इसको? 4 बजे बाहर कर देते हैं, उसके बाद में रात को 9 बजे के समथिंग अंदर करते हैं। अच्छा, 4 बजे बाहर कर देते हैं और फिर मिल्किंग कितनी बजे स्टार्ट करते हो आप? 6 बजे के आसपास मिल्किंग स्टार्ट करते हो, मिल्किंग करने के बाद फिर अंदर बांध देते हो इनको, है ना, और फिर जैसे कि आपने बताया था कि रात को 9 बजे वापस इनको, मतलब रात को 9 बजे खिलाने